आखिरकार डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ होने का एकमात्र कारण है इंसुलिन का ना बनना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैंक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, और इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। चलिए थोड़ा सा डीप में जाते हैं। हमारा जो बॉडी है वो यहाँ पे हम कुछ भी खाएं उसको शरीर के अंदर उसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है, उस खाने को ब्रेक डाउन करता है और उसे शुगर या ग्लूकोज में बदल देता है। इस शुगर और ग्लूकोज का यूज़ अब हमारी कोशिकाएं कर लेती हैं और इससे हमें एनर्जी मिल जाती है। जब हमारी कोशिकाएं इस ग्लूकोज का यूज़ करती हैं तब हमारा जो इंसुलिन है जो कि पैंक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वो ये सुनिश्चित करता है कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो अच्छी तरीके से कोशिकाओं के द्वारा यूज़ किया जाए, मतलब कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे, ग्लूकोज का लेवल ना बढ़ पाए। तब हमारा बॉडी अच्छी तरीके से उस ग्लूकोज का यूज़ कर लेता है और एनर्जी हमें मिल जाती है। बड़ दिक्कत तब आती है जब पैंक्रिया के द्वारा इंसुलिन नहीं बनाया जाता, और अगर बनाया भी जाता है तो हमारा बॉडी उसका यूज़ नहीं कर पाता है। तब ग्लूकोज या जो शुगर है उसका यूज़ हमारी कोशिकाएं पूरी तरह से नहीं कर पाती, और इस वजह से हमारी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इसे ही डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा का बढ़ जाना, और ये होता है इंसुलिन की कमी से। आज हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि किसी भी डायबिटीज़ से रिलेटेड इंसान में दिखाई पड़ सकते हैं। हर बार पेशाब जाने की इच्छा होना, हमारे शरीर में अगर शुगर का जो लेवल है वो बढ़ गया है तो हमारे जो दो किडनीज हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं वो इस एक्सेस शुगर को या बढ़े हुए शुगर की मात्रा को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो यहाँ बार बार अगर पेशाब जाने की इच्छा दिखाई पड़ रही है तो हो सकता है कि वो इंसान डायबिटीज़ रोग से पीड़ित हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रात के समय में ये जो पेशाब जाने की इच्छा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो प्यास, जो इंसान डायबिटीज़ रोग से पीड़ित है उसे प्यास भी बहुत लगती है। यहाँ पे हमने पहले देखा किडनी फिल्टर करके जो एक्सेस शुगर है उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे कि बार बार पेशाब होना चालू हो जाता है। बार बार पेशाब होते ही हमारे शरीर में जो वाटर का बैलेंस है वो भी यहाँ पे बिगड़ने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और कई बार तो डिहाइड्रेशन की शिकायत भी दिखाई पड़ती है। भूख में बढ़ोतरी का होना या अधिक भूख का लगना, जो लोग डायबिटीज़ रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें अधिक भूख लगती है क्योंकि उनके खाने से उन्हें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में बदल देता है। इस ग्लूकोज का यूज़ हम फ्यूल या एनर्जी के तौर पे करते हैं, पर डायबिटीज़ पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। उनका जो ग्लूकोज है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता एनर्जी के तौर पे, जिसकी वजह से इंसान को बार बार भूख लगती है, ताकि उसका जो फ्यूल या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसीलिए कोई भी इंसान अगर डायबिटीज़ रोग से पीड़ित है तो उसमें उसे भूख ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे थकावट या फटीग। डायबिटीज़ रोग से पीड़ित इंसान को थकावट होना जाहिर सी बात है, उनके एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो
पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के जो सेल हैं वो अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और शरीर में एक थकावट सी बनी रहेगी। ये जो थकावट है वो लगातार चलती ही रहेगी, क्योंकि ग्लूकोज का यूज़ हमारा बॉडी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा ब्लरी विजन या फिर आँखों में धुंधलापन का हो जाना। कई बार हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो अगर अधिक बढ़ जाए तो हमारी आँखों की जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनको यहाँ पे डैमेज कर सकती हैं, नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान को धुंधला भी दिखाई पड़ सकता है। अगर और देखें तो हमारी हाई ब्लड जो शुगर है या जो डायबिटीज़ है, अगर हाई लेवल में है तो वो हमारी आँखों की जो लेंस हैं उनमें भी सूजन कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों की जो दिखाई देने की क्षमता है वो भी घट सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो डायबिटीज़ है वो आँखों को भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अगर हमारे हाथों पैरों कहीं पे कट्स हैं या घाव जो हैं उनका भरना बहुत ही स्लो होता है या घाव का भरना धीरे धीरे होता जाएगा। हमारी जो ब्लड शुगर है जो कि हाई है, बढ़े हुए हैं, वो हमारे नर्व और ब्लड वेसल्स को यहाँ पे क्षति पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी कमी आएगी। साथ ही साथ अगर हमारे घाव हैं कहीं पे बॉडी में तो वो भी इजली आसानी से नहीं भरते हैं, उनको भरने में कई हफ्तों तक लग जाते हैं। नेक्स्ट है नमनेस और बॉडी पेन। डायबिटीज़ की वजह से जो इंसान है उसके ब्लड सर्कुलेशन और जो नर्व सेल हैं वो डैमेज होते जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के बॉडी में खास तौर पे हाथों और पैरों में दर्द होता है, साथ ही साथ नंबनेस भी दिखाई पड़ती है। कभी कभी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उनका जो पूरा बॉडी है वो सुन्न पड़ गया है, काम करने की जो क्षमता है वो अचानक से बॉडी की रुक जाती है और इस कंडीशन को न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है। अगर टाइम से सही ट्रीटमेंट ना हो तो दिक्कत हो सकती है और ये प्रॉब्लम समय के साथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है स्किन में डार्क पैचेस का दिखाई पड़ना। डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं उनके नेक में, आर्म पिट में यहाँ पे डार्कर जो पैचेस हैं, काले धब्बे हैं, वो दिखाई पड़ सकते हैं। ये जो पैचेस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वेलवेटी होते हैं और ये बहुत ही कॉमन लक्षण है किसी भी डायबिटिक इंसान में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो खुजली और ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट जो होते हैं उनको खाने के लिए मेनली शुगर चाहिए, तो कोई भी अगर डायबिटीज़ से पीड़ित इंसान है तो ऐसे इंसान के बॉडी में ईस्ट को आसानी से शुगर मिल जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट वाले जो इंसान हैं उनके ब्लड में तो शुगर बहुत ही होता है, साथ ही साथ उनके यूरिन में भी बहुत ज़्यादा शुगर पाया जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट जो है वो आसानी से ग्रो करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ वो उस बॉडी में इन्फेक्शन चालू भी कर देते हैं, जिसे हम ईस्ट इन्फेक्शन के रूप में जानते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से इंसान को खुजली होती है, साथ ही साथ वहाँ पे पैचेस भी बनने चालू हो जाते हैं और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि अगर एक बार ईस्ट इन्फेक्शन हो जाए किसी भी डायबिटिक इंसान को तो वो इजली ठीक नहीं होता। ये जो ईस्ट होते हैं वो मेनली बॉडी के ऐसे भागों में दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, थोड़ा सा पानी वाला हिस्सा हो, जैसे कि माउथ में हो सकता है, जेनाइटल एरिया में होता है महिलाओं और पुरुषों के निचले हिस्से में, साथ ही साथ आर्मपिट में भी ये दिखाई पड़ता है। ईस्ट
इन्फेक्शन बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना हो तो ये इंसान को बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो डायबिटीज से पीड़ित इंसान में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो डायबिटीज रोग से पीड़ित है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था उसको ख़त्म करते हैं।